बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दिस इज़ डॉक्टर फरजाद फ्रॉम करियर कोचिंग सेंटर। बेटा, अगर आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो मुझे रिस्पांस दे दें ज़रा। क्या मेरी आवाज़ को आप लोग क्लियर सुन पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है बेटा। तो हमने लास्ट वीक आपसे रिकॉर्डेड लेक्चर जो है शेयर किए थे, और उसके अंदर आपको हम लोग थर्मोरेगुलेशन का टॉपिक कंप्लीट करवा चुके, और उसके बाद जो है हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। और बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से आपको कहा था कि होम्योस्टेसिस के तीन कंपोनेंट होंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन, हम लोग ने एनिमल्स में डिस्कस किया था और फिर प्लांट में स्टार्ट किया था, और ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स के टॉपिक में कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो, या आपको प्रॉब्लम कर रही हो, या कोई ऐसी चीज जो आपको डिस्कस करनी हो, तो भाई आप कर सकते हैं। हाँ भाई, क्लियर है सब? और उसके अंदर जो है मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था, अगर याद हो। मैंने आपसे कहा था कि आप सबने जो है उसके अंदर लेके आना है, ढूंढ के लेके आने हैं डिफरेंसेस ग्यूटेशन के और ट्रांसपायरेशन के। तो वो डिफरेंसेस आप लोग ने ढूंढे या नहीं ढूंढे? व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस इन बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड ग्यूटेशन? है भाई, चले ठीक है। ये नूर सबन ने जो है शेयर किए हैं, ठीक है, गुड है। और लोग भी बताएं भाई डिफरेंसेस, और लोगों ने लिखे हैं नहीं लिखे हैं? ठीक है बेटा। अगर देखो, मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ ना, पहला जो हमारा पॉइंट बन जाएगा, पहला पॉइंट तो क्या हमारा हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा डेफिनेशन। ठीक है, कि अगर आप गुटेशन को डिफाइन करना चाहें, वो क्या है? गुटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना एक्सेस वाटर लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, उसको आप गुटेशन का नाम देते हैं। ठीक है, जबकि हम ट्रांसपायरेशन की बात करें तो वो क्या है? ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करता है, अपना एक्सेस वाटर लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। उसको आप क्या नाम दे रहे हैं? ट्रांसपायरेशन का नाम दे रहे हैं। तो ये हो गया पहला डिफरेंस, और हमें कम से कम चार लिखने होते हैं। अगर आप गुटेशन की बात करते हैं, तो गुटेशन कुछ पोर से होती है, और उन पोर को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रा थॉट्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? हाइड्रा थॉट्स। जबकि अगर आप ट्रांसपायरेशन की बात करें, तो ट्रांसपायरेशन कहाँ कहाँ से हो सकती है? ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा से हो सकती है, ट्रांसपायरेशन क्यूटिकल से हो सकती है, ट्रांसपायरेशन लेंटिकल से हो सकती है। ठीक है भाई, तो ये हो गए आपके दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लेके आ सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है, ट्रांसपायरेशन थर्मो रेगुलेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होती है, प्लांट के अंदर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। तो ट्रांसपायरेशन का रोल थर्मो रेगुलेशन में भी है, जबकि गुटेशन का थर्मो रेगुलेशन के अंदर कोई रोल नहीं है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट हो सकता है, वो क्या है कि भाई ट्रांसपायरेशन डे टाइम और नाइट टाइम दोनों में हो रही होती है, जबकि गुटेशन यूजुअली कब होगी? ड्यूरिंग रेनी सीजन होगी, जब अच्छा खासा पानी आपके पास अवेलेबल होता है तब होगी, और ड्यूरिंग नाइट टाइम होगी। समझ में आ रही बात? कब होगी? ड्यूरिंग नाइट टाइम होगी, डे टाइम नहीं होती। आ गई बात समझ में? तो ये आपके डिफरेंसेस हो गए बेटा, तो ये आपको आने चाहिए, और आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अर्ली मॉर्निंग भी कह सकते हैं, वो जो आप बात कर रही है ना, वो गुटेशन नहीं होती अर्ली मॉर्निंग के अंदर, वो अलग चीज है। वो दरअसल ट्रांसपायरेशन ही होती है, हवा में मौजूद वेपर्स होते हैं जो प्लांट की सरफेस के साथ कांटेक्ट में आते हैं, और वो वेपर्स जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की सूरत में
आपके प्लांट्स पे अटैच हो जाते हैं। प्लांट अपना वाटर लूज नहीं कर रहा होता है, वो एनवायरनमेंट में मौजूद वेपर्स होते हैं, समझ में आ रही बात। वो एनवायरनमेंट का वाटर होता है, वो प्लांट का अपना नहीं होता। गुटेशन यूजुअली होती ही नाइट टाइम के अंदर है, लेकिन नाइट टाइम में प्लांट जो है वो ड्रॉप्स की सूरत में अपना एक्सेस वाटर लूज करते हैं। आप जिसकी बात कर रही हैं ओस की या शबनम की या जिसको हम ड्यू कहते हैं, तो ड्यू जो है वो तो दरअसल इन्वायरमेंटल वेपर्स होते हैं जो ड्रॉप्स की सूरत में नजर आ रहे होते हैं। प्लांट अपना वाटर लूज नहीं कर रहा होता है वो। चल है भाई, क्लियर है ना यहाँ तक? ये नूर सबा ने जो है ये चैट बॉक्स में शेयर किया है भाई, जिन्होंने नहीं किया तो वो यहाँ से कॉपी कर लिएगा। ठीक है भाई, चल है। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड में शेयर कर रहा हूँ, वहां पे हेडिंग डली हुई है एस्क्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो एस्क्रीशन इन प्लांट्स की हेडिंग डाल लो। अब देखो, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं ना भाई, तो प्लांट्स के अंदर क्या क्या एस्क्रीशन, तो जाहिर सी बात है हम सबको ही पता है क्या होता है भाई एस्क्रीशन। अगर हम एस्क्रीशन की बात कर रहे हैं तो एस्क्रीशन क्या होती है बताओ। अगर हम एस्क्रीशन को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज एस्क्रीशन? रिमूवल ऑफ वेस्ट। अगर देखो ये बात आप मुझे फर्स्ट ईयर में या 9th क्लास में बताते ना तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन आप लोग पूरी जूलॉजी पढ़ चुके हैं, अब ये डेफिनेशन नहीं चलेगी, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हाँ, अब महानु ने सही बताई ना कि भाई आप मेंशन कर रहे हैं कि ये एक होम्योस्टेटिक प्रोसेस है, तो एक ऐसा होम्योस्टेटिक प्रोसेस जो के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में इन्वॉल्व हो, उसको आप एस्क्रीशन का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट के अंदर देखें बेटा, तो प्लांट के अंदर पहली बात तो क्या है कि नो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन प्लांट, नो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इज एक्सक्रीटेड इन प्लांट्स। क्या अगर आप प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर कोई नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एस्क्रीट आउट नहीं होता। अब देखिए, कोई नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जब प्लांट के अंदर एस्क्रीट आउट नहीं हो रहा, प्लांट क्यों नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एस्क्रीट नहीं करते, या आपका एक रीजन बन सकता है कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ रहा होता है कि व्हाई द प्लांट डोंट एस्क्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। हाँ भाई, कोई जवाब हुआ है आपके पास कि प्लांट जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एस्क्रीट नहीं करते, क्यों? अब इसका जवाब ये होगा कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, जो इनकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, वो रीयूज हो जाता है। जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड, इस टाइप की चीजें इनकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, तो वो सारी चीजें दोबारा ये प्लांट क्या करता है, रीयूज कर लेता है अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो ये अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए उसको दोबारा क्या करेगा, रीयूज कर लेगा। समझ में आ रही बात? तो भाई पता चला जब यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ही नहीं है तो फिर वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा। तो कह रहे हैं कि भाई अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट प्लांट्स इंक्लूड। अब बेटा इसके अंदर जो है ना तीनों स्टेट पाई जाती हैं। तीनों स्टेट से मुराद क्या है कि यहाँ पे जो है वो सॉलिड वेस्ट भी होंगे, इट इंक्लूड सॉलिड वेस्ट, इट इंक्लूड लिक्विड और एज वेल एज इट इंक्लूड गैसेस। समझ में आ रही बात? तो ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। अब अगर मैं सॉलिड वेस्ट की बात करता हूं, यहाँ पे सॉलिड वेस्ट में देखा जाए तो सॉलिड वेस्ट के अंदर कुछ कंपाउंड होते हैं, और उन कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं रेजिन्स। ये भी इसका क्या है, प्लांट का सॉलिड वेस्ट है। इसी तरह जो है लेटेक्स, ये भी क्या है, प्लांट का सॉलिड वेस्ट है। इसके अलावा गम्स,
ये भी प्लांट के क्या है, सॉलिड वेस्ट है। और अगर हम लिक्विड वेस्ट की बात करते हैं तो लिक्विड वेस्ट को अगर देखा जाए तो लिक्विड वेस्ट में क्या क्या आ जाएगा, लिक्विड वेस्ट के अंदर देखा जाए तो बेटा वाटर आ जाता है, और सिर्फ वाटर नहीं, हमने यहाँ पे लिखना है एक्सेस वाटर। तो प्लांट की बॉडी में जो भी एक्सेस वाटर है वो उसका क्या है, लिक्विड वेस्ट है। और अगर हम गैशियस वेस्ट की बात करते हैं तो गैशियस वेस्ट दिन के टाइम अलग है, नाइट के टाइम अलग है। अब वो डे के टाइम हम देखें तो डे टाइम में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट टाइम। ऐसा क्यों है भाई, प्लांट डे टाइम में ऑक्सीजन दे रहा है और नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, क्यों भाई, इसके पीछे लॉजिक बताओ, क्या लॉजिक हो सकती है, जल्दी। किसी को पता है भाई, प्लांट डे टाइम में ऑक्सीजन लिबरेट कर रहे होते हैं और नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत दफा पढ़ चुके हो, ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था आपने गैसीय एक्सचेंज के अंदर, अगर याद हो। नाइट में रिस्पायरेशन होती है, अलिजबा बता रही है, और डे में फोटोसिंथेसिस। बेटा रिस्पायरेशन डे टाइम में भी होती है और नाइट टाइम में भी होती है, ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखना है। हाँ, फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होता है, वजह क्या है उसकी, वजह ये है कि फोटोसिंथेसिस को होने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, और लाइट कब अवेलेबल होती है, ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। अब फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो भाई फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीजन लिबरेट हो रही होती है, ये बात आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है कि भाई जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है उसमें बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है। अब डे टाइम में प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है तो वो ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में लिबरेट कर रहा होता है, तो वो ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट उसकी बॉडी से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। जबकि नाइट टाइम में हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस हो रही है, वही कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर रहा है। ऑक्सीजन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अब फोटोसिंथेसिस रात के टाइम नहीं हो रहा। जब फोटोसिंथेसिस रात के टाइम नहीं हो रहा तो इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से ऑटोमेटिकली आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होना शुरू हो गई और ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होना बंद हो गई। अब देखें, ये हमने देख लिया कि सॉलिड वेस्ट में क्या क्या है, रेजिन्स हैं, लेटेक्स है, गम्स हैं। लिक्विड वेस्ट के अंदर देखा जाए तो एक्सेस वाटर है, और गैशियस वेस्ट में हमने देखा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट टाइम रिस्पेक्टिवली। अब अगर हम प्लांट के अंदर देखें ना बेटा, प्लांट के अंदर कोई भी एस्क्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, यहाँ पे कोई भी एस्क्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं है। जैसे एनिमल में देखें कि भाई आपने देखा था अर्थवॉर्म में भी क्या था, वहां पे नेफ्रिडिया मौजूद था। इसी तरह जो है अगर आप फ्लैट वॉर्म्स में देखें तो वहां पे प्रोटोनेफ्रिडिया मौजूद था। इसी तरह आप कॉकरोच में देखें तो वहां पे क्या, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद थे। ह्यूमंस में देखें तो वहां किडनीज मौजूद थी। जबकि हम प्लांट के अंदर देखें तो प्लांट के अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गन एस्क्रीशन के लिए मौजूद नहीं है। देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट फॉर एस्क्रीशन इन प्लांट। अब सवाल ये उठता है बेटा कि यहाँ पे एस्क्रीशन करेगा कौन, तो बताया ये गया कि जो भाई जो वेस्ट प्रोडक्ट है इनके सॉलिड वाले। अब सॉलिड वाले कौन कौन से, याद करो, तीन नाम बताए तुम्हें, एक बताया है रेजिन्स, दूसरे बताए लेटेक्स, तीसरा बताया है गम्स। अब ये जो तीनों नाम है ना, ये एस्क्रीट आउट होते ही नहीं है। अब जो इनके पुराने टिश्यूज होंगे ना, जैसे कि जाइलम है और फ्लोयम है, जो पुराने हो गए और वो सैप और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लायक ही नहीं है, तो वो प्लांट के टिश्यू जो किसी काम के नहीं रहते ना, वो स्टोरेज के काम आते हैं। तो प्लांट क्या करेगा कि जितने भी पुराने जाइलम फ्लोयम होंगे, अब जो किसी काम के नहीं रहे, उनमें ले जाके रेजिन्स लेटेक्स और गम्स को डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, वो कहीं पे भी एस्क्रीट आउट नहीं होते। अपने पुराने जाइलम और फ्लोयम सेल में क्या करेगा, इसको डिपॉजिट कर देगा। क्लियर हो गई बात। जबकि लिक्विड वेस्ट की अगर हम बात करते हैं जिसमें एक्सेस वाटर है, ये एक्सेस वाटर कैसे लॉस होगा, ये ट्रांसपायरेशन की सूरत लॉस होता है या फिर गुटेशन की सूरत लॉस होता है। जबकि अगर हम गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं
तो ये स्टोमेटा से लॉस होंगे। डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है तो डे टाइम से ये स्टोमेटा से ओपन लॉस होंगे। नाइट टाइम में तो स्टोमेटा बंद होता है तो नाइट टाइम के अंदर ये लेंटिकल्स और दूसरे एयर स्पेसेस होते हैं वहां से लॉस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? अगर क्लियर है भाई तो बता दो फिर, ताकि मैं इसको लिखवाना शुरू करूं। ये जो सॉलिड वेस्ट है बेटा, जो पुराने जालियम और फ्लोयम होते हैं ना प्लांट के, उसमें डिपॉजिट किया जाएगा। प्लांट जाके समझ लो अपने पुराने जालियम और फ्लोयम को एज अ डस्टबिन यूज करता है। चले इसमें लिखना शुरू करें। हेडिंग डाली थी ना आपने एस्केशन इन प्लांट, लिखें इसके अंदर इन प्लांट्स नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म is utilized back is utilized back in anabolism Next point, there is no special excretory organ. Next point, plants produced solid, liquid and gaseous waste. Next point, solid waste include resins. ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे स्पेलिंग। Includes resins, latex and gums that are excreted by depositing
by depositing it into old xylem and phloem cells Next point, liquid waste include excess water that lost through that lost through transpiration and gutation that lost through transpiration and gutation next point Gaseous waste include oxygen and carbon dioxide. Gaseous waste include oxygen and carbon dioxide that excreted through pores like stomata, lenticles, and air spaces. Gaseous waste include oxygen and carbon dioxide that excreted through pores like stomata, lenticles, and air spaces. अलीजा क्वेश्चन कर रही है कि सर एयर स्पेसेस क्या होते हैं बेटा प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो जो प्लांट का आपने कट सेक्शन स्टडी करा होगा ठीक है और अगर नहीं किया तो सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में है कि आपको कट सेक्शन स्टडी करने होंगे तो आप कट सेक्शन करके देखते हैं तो प्लांट में जगह जगह कुछ स्पेसेस होते हैं
जहां से एयर इंटर होती है या फिर जो है वहां से एग्जिट होती है, उसको आप एयर स्पेसिस का नाम दे रहे होते हैं। सर इस तरह सॉलिड वेव्स की बॉडी में ही रहते हैं तो ओल्ड जाइलम में प्लांट की बॉडी से तो बाहर नहीं जा रहा ना? हाँ बेटा, प्लांट की बॉडी से तो बाहर नहीं जा रहा, लेकिन जो प्लांट के लिविंग सेल्स हैं उन लिविंग सेल्स को वो अफेक्ट नहीं कर रहा ना। तो प्लांट ने उठा के जो जाइलम फ्लोएम तो ऑलरेडी क्या है, डेड सेल्स हैं, और वो भी वो डेड सेल जो अब किसी काम के नहीं रहे, जो जाइलम और फ्लोएम नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, किसी काम के नहीं रहे, तो ले जाके उनमें डाल देता है। अब वो क्या करेगा, वो इसकी सपोर्ट में हेल्प करेगा, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बॉडी से बेशक लॉस नहीं हुआ लेकिन सेल से लॉस हो चुका है और इसके ईसीएफ से भी लॉस हो चुका है। क्लियर है बात भाई? चल है, तो यहाँ पे आके हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का टॉपिक भाई कंप्लीट हो गया। अगर इसमें किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो भाई पूछ सकता है। क्लियर है भाई सबको? चल है, अब जरा जो है हेडिंग डाल लें आप लोग, थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। चले भाई हेडिंग डाल लें, थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की। और जिन्होंने हेडिंग डाल ली है वो मुझे जरा रिस्पॉन्स दे दे भाई। चलें, अब देखो प्लांट जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा होता है ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। ठीक है, पहले तो मैं बात करता हूँ ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। ठीक है, ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर प्लांट किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है और ड्यूरिंग लो टेम्परेचर प्लांट किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, ये दोनों हमने देखने हैं। पहले देखें ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर की बात करते हैं। अब देखो टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है, जब टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है तो प्लांट के अंदर एंजाइम्स हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग एंजाइम्स पढ़ के आए हो, आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स है। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने हुए हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है आपकी बॉडी के अंदर, एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और एंजाइम एक्टिविटी एक लिमिट तक इंक्रीज होती है। जैसे बताया गया कि भाई जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर पहुंच जाता है कहाँ पे, 37 डिग्री सेल्सियस, जब 37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है तो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यही वजह है कि नेचर ने हमारी और प्लांट की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ही कितना रखा है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगा, मतलब 37 से हो गया 38 डिग्री सेल्सियस, अब प्लांट क्या करे भाई, हम अपनी बात करते हैं, अपनी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मैकेनिज्म दोनों शुरू हो जाते हैं जो हमने पढ़े थे। अब प्लांट के अंदर क्या होगा, कह रहे हैं कि भाई प्लांट के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा
प्लांट क्या करेगा, प्लांट अपना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ा देगा। तो प्लांट का रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है इंक्रीज कर जाएगा, और जैसा जैसा ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज करते जाएगा प्लांट के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, कूलिंग अफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और वो कूलिंग अफेक्ट क्या करेगा, टेम्परेचर को नॉर्मल की तरफ ले आएगा। लेकिन बास टाइम ऐसा होता है कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है कि भाई ट्रांसपायरेशन हो जा रही हो, इतनी ट्रांसपायरेशन हो जाती है कि प्लांट डिहाइड्रेशन में चले जाता है और टेम्परेचर है बढ़ के बढ़े जा रहा है। अब पता चला भाई वो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब भाई 40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसपे अंजाइम डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं, अंजाइम अपना काम करना छोड़ देंगे और उनका स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। तो जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट एक प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं हीट शॉक प्रोटीन। क्या नाम देते हैं, हीट शॉक प्रोटीन। और ये जो हीट शॉक प्रोटीन्स हैं, दिस हीट शॉक प्रोटीन्स विल प्रिवेंट एंजाइम फ्रॉम डीनेचुरेशन। तो ये एंजाइम को क्या करेंगी, प्रिवेंट करेंगी, किससे, विल प्रिवेंट एंजाइम फ्रॉम डीनेचुरेशन, मतलब उनको डीनेचर होने से बचाएंगी। आ गई बात समझ में भाई। तो अगर एक दफा टेम्परेचर हाई हो गया, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, प्लांट क्या करेगा अपना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ा देगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्लांट का, ट्रांसपायरेशन भी बढ़ती चली जाएगी, एक लिमिट तक ट्रांसपायरेशन बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि उससे प्लांट का वाटर लॉस हो रहा है, और जब प्लांट देखेगा कि भाई बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है तो प्लांट क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन को रोक देगा। और टेम्परेचर अगर पहुंच गया 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद प्लांट क्या करेगा, प्लांट एक प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं हीट शॉक प्रोटीन। और वो हीट शॉक प्रोटीन क्या करेगी, वो एंजाइम्स को प्रिवेंट करती है फ्रॉम डीनेचुरेशन, एंजाइम को डीनेचर होने से बचाती है। क्लियर है यहां तक बात भाई या नहीं, रिस्पॉन्स देते भाई मुझे, क्लियर है। चलो अब लिखना शुरू करो, हेडिंग डाल ली थी ना आपने थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की, अब जो है लिखे आप पॉइंट्स में लिखिएगा। ठीक है, ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर प्लांट इंक्रीजेस, ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर प्लांट इंक्रीजेस, प्लांट इंक्रीजेस इट्स रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, प्लांट्स इंक्रीजेस इट्स रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विच प्रोड्यूस कूलिंग अफेक्ट इन प्लांट, which produce cooling effect in plants, which produce cooling effect in plants. Next point, when temperature reach up to 40 degrees Celsius, 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 plant start synthesizing heat shock proteins, plant start synthesizing heat shock proteins that will prevent enzymes
डैट विल प्रिवेंट एंजाइम्स फ्रॉम डी नेचुरेशन डैट विल प्रिवेंट एंजाइम्स फ्रॉम डी नेचुरेशन डैट विल प्रिवेंट एंजाइम फ्रॉम डी नेचुरेशन। चले भाई, अब जरा हम बात कर लेते हैं ड्यूरिंग लो टेम्परेचर की, कि भाई लो टेम्परेचर में क्या होने जा रहा है। अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करता हूँ तो बता रहे हैं कि भाई अगर आप ड्यूरिंग लो टेम्परेचर देखें तो ड्यूरिंग लो टेम्परेचर अब क्या होगा भाई। ड्यूरिंग लो टेम्परेचर प्लांट दो चीजें करते हैं, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो इस बात का शुबा होता है कि एंजाइम इनएक्टिव हो जाए। एंजाइम इनएक्टिव हो गए तो आपके सेल के सारे रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे, और सेल के सारे रिएक्शन स्टॉप हो गए तो आपकी लाइफ पे भी फुल स्टॉप लग जाएगा, और आपकी लाइफ उस अफेक्टिव तरीके से वर्कअप नहीं कर पाएगी जिस तरह से करना चाहिए। अब प्लांट को कुछ भी करके साइटोसोल को जमने से रोकना होता है, एंजाइम को इनएक्टिव होने से रोकना होता है। तो प्लांट दो काम करता है, पहला काम क्या करेगा, वो लेगा फरक्टोस। क्या लेगा भाई? फरक्टोस। फरक्टोस के बनाएगा पॉलीमर। क्या बनाएगा? पॉलीमर। और उस पॉलीमर को आप नाम देते हैं फ्रक्टेंस का। दिस पॉलीमर आर कॉल्ड एज फ्रक्टेंस। और ये फ्रक्टेंस कहाँ डिपॉजिट कर दिए जाएंगे? ये डिपॉजिट किए जाएंगे डिपॉजिटेड इन साइटोसोल। और क्यों किए जाएंगे? ताकि प्रिवेंट किया जा सके। किसको प्रिवेंट किया जा सके? बताया गया कि भाई क्रिस्टलाइजेशन को। किसकी क्रिस्टलाइजेशन को? साइटोसोल की क्रिस्टलाइजेशन को, कि साइटोसोल कहीं बर्फ में कन्वर्ट ना हो जाए। तो पहला काम तो ये किया जाएगा कि भाई साइटोसोल के अंदर ले जाके फरक्टेंस डाल दिए, जो कि फरक्टोस का पॉलीमर होता है। और ले जाके क्यों डाले? क्योंकि ये साइटोसोल को जमने से रोकेंगे। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? दूसरा काम इन्होंने ये किया कि भाई फैटी एसिड लिए। अब फैटी एसिड आपको पता है कि लिपिड है, ठीक है भाई? फैटी एसिड क्या है? लिपिड है। और लिपिड होता है हीट का इंसुलेटर। तो ये फैटी एसिड ले जाके डिपॉजिट करवाते हैं कहाँ पे? ये डिपॉजिट करवाते हैं इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट, ताकि सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है लिपिड डिपॉजिट कर दिया जाए। और जब ये लिपिड डिपॉजिट कर दिया जाएगा तो ये क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा हीट लॉस को। इट विल प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द सेल। तो सेल में से ये हीट लॉस को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। तो इस तरह से जो है प्लांट अपना लो टेम्परेचर मेंटेन कर रहा होता है। तो बेटा दो तरीके होते हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा? साइटोसोल को जमने से रोका जाता है। कैसे रोका जाएगा? फ्रक्टोस के पॉलीमर लिए जाते हैं जिसको हम फ्रक्टेंस कहते हैं, एंड दिस फ्रक्टेंस आर डिपॉजिटेड इनसाइड द साइटोसोल दैट विल प्रिवेंट द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ साइटोसोल, और उसको फ्रीज होने से बचा रहा है। दूसरा काम क्या है कि भाई जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट को लॉस होने से बचाना है। तो क्या किया जाए कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर लिपिड ज्यादा डिपॉजिट कर दो, इसके अंदर फ्रक्टोस के फैटी एसिड ज्यादा डिपॉजिट कर दो, ताकि हीट जो है वो हमारी स्टोर रहे, हीट हमारी लॉस ना हो। क्लियर है भाई ये बात या नहीं? बता दीजिए मुझे फटाफट। क्लियर है भाई सबको? चलो अब फटाफट जो है ये आपने पॉइंट सीखे थे, अगला पॉइंट लिखो। देखो ड्यूरिंग लो टेम्परेचर ड्यूरिंग लो टेम्परेचर ड्यूरिंग लो टेम्परेचर प्लांट डिपॉजिटेड फ्रक्टेंस इन साइटोसोल एंड साइटोसोल टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन
टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन, टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ साइटोसोल. नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट डिपॉजिटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड इन देयर सेल मेम्ब्रेन. प्लांट डिपॉजिटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड, प्लांट डिपॉजिटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सैचुरेटेड फैटी एसिड in order to store heat producing during metabolism. चले बेटा, तो कॉपी कर लिया भाई सबने यहां तक? चले तो बेटा यहाँ पे आके समझ लें, 99.9% हमारा चैप्टर एंड हो गया. वी हैव फिनिश्ड अवर चैप्टर नंबर 1. सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया है फीडबैक सिस्टम का, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में करवा दूंगा. और यहाँ पे आके हमारा चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस कंप्लीट हो गया. इंशाल्लाह एक टॉपिक रह गया, वो हम कवर करेंगे और देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स अवर चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम होगा सपोर्ट एंड मूवमेंट. ठीक है, बहुत जल्द आपको जो है आपके टेस्ट शेड्यूल मिल जाएंगे. 17 अगस्त से आपका रूटीन टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो उस टेस्ट में पूरा चैप्टर नंबर 1 आएगा भाई, होम्योस्टेसिस है, बॉटनी और जूलॉजी दोनों शामिल होंगे. तो आपने जो है उसी लिहाज से तैयारी करनी है, पूरा चैप्टर 1 आप लोग प्रिपेयर करके रखें, इंशाल्लाह जो है वो पूरा आपका टेस्ट में शामिल होगा. ठीक है भाई, और आज के लेक्चर के हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भाई कर सकते हैं. क्लियर है सब? चलें तो इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट वो स्टार्ट करेंगे. तो उसके लिए अच्छी से तैयारी कीजिएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर मंथली टेस्ट. इंशाल्लाह होम्योस्टेसिस का आपका कंप्लीट टेस्ट होगा, तो उसके लिए आपने तैयारी करनी है. आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.